subscribe and click the bell icon for television updates. Congratulations. That's the only word that we can say, but otherwise to Abhishek and Siddharth are very well brought up boys. They make my heart very happy. So congratulations to them for their living launch, and also I wish them lots of luck, lots of happiness, health, wealth, wisdom for their life. Abhishek to mera bahut hi acha dost hai. Siddharth mera chote bhai jaisa hai. Isi baar maine rakhi bandhi thi. And they are like family. Especially aaj main sabse zyada excited to iske liye hu. Bahut bada ek ye log bomb phenkne wale hain aap sab ki taraf. Aur bahut mehnat ki hai inhone. To pehli baar Abhishek ne direct kiya hai. उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है. और अभिनीत और सिद्धार्थ ने आज तक कभी म्यूज़िक वीडियो साथ नहीं किया. अभिनीत ने काफ़ी किए हैं, सिद्धार्थ ने काफ़ी किए हैं. पहली बार दोनों साथ आ रहे हैं. एज यूजुअल अलास्मिन इज़ अ वेरी वेरी लव्ड कपल. सो वेरी वेरी सो आज कुछ बहुत एक्साइटिंग. ओके सर, बर्थडे का मौका है, सरप्राइज भी है, तो आप दोनों क्या सरप्राइज देने वाले सिद्धार्थ और अभिषेक को? हमारे लिए तो कोई सरप्राइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम काम भी साथ में करते हैं. जब काम नहीं करते रोज ही देख रहे हैं, घर पे भी पढ़े ही रहते हैं. तो देर इज नथिंग एज सरप्राइज. देर इज नो सरप्राइज इन फैमिली. देर इज नथिंग दैट वी गिविंग एज अ सरप्राइज. सो ब्लेसिंग्स क्या देना चाहोगे? You tell about Siddharth and Abhishek. Siddharth is he's a wonderful man. He's a very, very well brought up, very mannered, very sweet kid, and I just love him. And he's got so much potential. मैंने आज तक इतने talented बच्चे को life में नहीं देखा जितना talent इसमें. And I'm sure कि ये बहुत ही आगे जाएगा. And Abhishek is a star. He's a born star. तो फॉर सिद्धार्थ मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कुछ बच्चों को देखते हैं आपके रोज मुस्कुराने लगते हैं. सिद्धार्थ इज वन ऑफ दोज किड्स. ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड. आई डोंट नो अभिषेक एज मच बिकॉज ही स्पीक्स वेरी लेस. जबकि हम मिलते बहुत यानी काफ़ी मरतबा मिल चुके हैं, लेकिन ऐसे अभिषेक से इतना इंटरेक्शन मेरा नहीं हुआ. बट दे बोथ आर ब्रॉट अप वेरी वेल. तो वो क्रेडिट उनकी मम्मी को जाता है. बींग लाइक ऑल अलोन ऑन हर लाइफ द वे शी इज ब्रॉट दीज टू लवली रोज बुशेज अप. ये बच्चे फूलों जैसे हैं और बहुत खूबसूरत इंसान है इनसाइड एंड आउटसाइड. इसलिए हमेशा इनके बर्थडे पे नहीं बल्कि जब भी इनको देखती हूँ दिल से दुआ ही निकलती है. ओके मैम, एक लास्ट चीज जानना चाहिए. ज़ैन इमाम को डेंगू हो गया है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो उसे बुखार था जिस दिन और काफ़ी हाई हो गया था, तो मैं उसके साथ ही थी. और 1:30 बजे रात को बाकी सब पैनिक कर रहे थे. फ्रेंड्स अभिलाष वॉज देयर, नलिनी वॉज देयर, यूसुफ वॉज देयर. तो सब पैनिक कर रहे थे. मैंने कहा कि पैनिक करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मॉम डैड को आने के लिए 1.5 दिन तो लगेगा, क्योंकि वो दिल्ली में भी नहीं थे. तो जस्ट गॉट हिम एडमिटेड इन द हॉस्पिटल सो दैट ही विल बी अंडर नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल हु कैन हैंडल सच सिचुएशन. बिकॉज विद डेंगी इट इज़ नॉट श्योर. कभी भी आपके प्लेटलेट काउंट्स अचानक ड्रॉप हो जाते हैं. और मैं 24 घंटे साथ में नहीं रह सकती क्योंकि मैं भी शूट कर रही थी उस वक्त. इसलिए हमने बस उसे एडमिट किया एंड अब ही वॉज ओके फ्रॉम डे वन. लाइक उसका अच्छा ख्याल रखा गया. सो हाउ इज ही नाउ? ही इज एट होम? ही जस्ट गॉट डिस्चार्ज. ओके ओके. थैंक यू मैम.